ये जो FMCG कंपनियां, ऑटो कंपनियां, उनके रिजल्ट जो हैं वो एक बिल्कुल डिमांड में कम होने की बात कर रहे हैं, वो भी शहरी क्षेत्रों में। खासतौर से शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे अगर डिमांड कम होता है तो इनके लिए चिंता ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये जो चिंता है कितनी गहरी है, और चूंकि कोई डिमांड उठने के कोई तत्काल संकेत भी कंपनियाँ नहीं दे रही हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो आपने एक चीज़ को अंडरलाइन किया है, अगर हम देखें, अगर इस क्वार्टर में जिस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट देखने को मिल रहा है। डिस्कनेक्ट इन द सेंस व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग एंड व्हाट एक्चुअल डाटा वी आर एबल टू सी इन दिस रिजल्ट्स। अगर हम देखें, गवर्नमेंट अभी भी बात कर रही है कि हम 8-8.5% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड एवरीथिंग इज काइंड ऑफ रोजी। बट अगर हम देखें जिस तरह के रिजल्ट आप देखें, अभी हाल ही में FMCG कंपनीज के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, टायर कंपनी के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, पेंट्स कंपनी के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, तो ये कुछ और ही चेंजेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर हम थोड़ा सा पर्दे के पीछे झांक के देखें, कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई हैं कुछ एक इंटरनेशनल हाउसेस की, कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक जो एक डिमांड पैटर्न हैगा, खासतौर से अर्बन एरियाज में एक शिफ्ट और डिमांड पैटर्न हो रहा है। जो डिमांड ज्यादा जा रही है वो एक जिसे हम बोलते हैं एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स में, जिसके की आकांक्षा पूर्ण प्रोडक्ट्स में जा रही है। समथिंग टू जिसका बहुत ही एक टिपिकल एग्जाम्पल है, समथिंग लाइक स्मार्ट मोबाइल फोन, कि इस तरह में ज्यादा डिमांड जा रही है बजाय कि रेगुलर, जिसे हम बोलते हैं कि जो स्टॉक वाले चीजें होती हैंगी। एंड वो चीज हमारे को इसमें भी देखने को मिल रही है। अगर जिस तरह के हम रिजल्ट देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स है, समथिंग लाइक डिक्सॉन, समथिंग लाइक एम्बर या उस कैटेगरी के नाइका, आई थिंक उनके रिजल्ट्स, जोमैटो, आई थिंक इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। सो एक डेमोग्राफी के एक डिमांड पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं। वेदर दिस इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना या ये एक लॉन्गर टर्म फिनोमिना, आई थिंक आगे जाके वक्त ही बतलाएगा। बट डेफिनेटली एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, रूरल स्लोडाउन। हम 3-4 क्वार्टर से बार बार सचेत कर रहे थे कि रूरल इकोनॉमी में एक ग्रोथ पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, और वो FMCG रिजल्ट से थे। और अब की बार हमें जो देखने को मिला है, ठीक है, रूरल में शायद एक प्लेटू सा बना है, देयर हैव बीन डाटा पॉइंट्स की वहां थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी हुई है, बट शहरों में डेफिनेटली ये एक वीकनेस देखने को मिली है कंजम्पशन पैटर्न में। सो आई होप दिस इज नॉट अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म फिनोमिना, दिस इज वन ऑफ अ फिनोमिना, बट डेफिनेटली ये फिनोमिना देखने को मिला है। और इस फिनोमिना पे हमारे को एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट या एज अ ब्रोकर, डेफिनेटली हमारे क्लाइंट्स को इस चीज के लिए, इस पैटर्न चेंज के लिए गाइड करना पड़ेगा, और इससे देखते हुए कि कौन से स्टॉक्स आगे ज्यादा अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे। बट वन विल हैव टू बी कॉशियस अबाउट ये जो फिनोमिना देखने को मिल रहा है हमारे को। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो शहरी क्षेत्रों में डिमांड है, FMCG कंपनियों की तरफ से डिमांड में जो कमी देखने को मिल रही है, क्या वाकई डिमांड कम हो रहा है या लोगों का एक्सपेंडिचर या खर्च करने का पैटर्न बदल रहा है? लोग बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग हाईटेक चीज़ों में इस्तेमाल पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अब जो बाकी ट्रेडिशनल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें पैसा खर्च करना कम पसंद करते हैं। तो ऐसे केस में क्या निवेशक के तौर पे, जो लोग ये सोच के चलते हैं जो हर कोई साबुन तो लगाएगा ही जी, हर कोई शैम्पू तो खरीदेगा ही, हर कोई मैगी तो खरीदेगा, तो इसकी जो कंपनियां उसके शेयर आप ले लीजिए, तो अब ये जो सोच है इसके दिन लद गए क्या दलजीत जी? अब हमें वैसे जगह पे जाना चाहिए जहां पे कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में गैजेट आ गए, हर घर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोगों को कुछ अपने पोर्टफोलियो को भी इसी हिसाब से रोटेट करना चाहिए, दूसरी तरफ पैसे को लोकेट करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनफैक्ट हमने अपने पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर दो एक चीजें ऐसी जोड़ी हैं जो प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी को प्ले करती हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। जिस तरीके से लोगों की जो एक तो गैप बढ़ता जा रहा है, जिनके पास है वो उनके पास बहुत बढ़ रहा है, और जिनके पास नहीं है तो वो बेचारे परेशान है, बट वो अलग मैटर है डिस्कशन का। बट एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट एंड स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए हमें लगता है कि वहां पर एक बड़ा स्कोप है कि ये जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है इसको आप कंजम्पशन में किसी भी चीज के, चाहे लिकर का कंजम्पशन देख लीजिए, कारों का कंजम्पशन देख लीजिए, अपैरल्स का कंजम्पशन देख लीजिए,
हर जगह जो है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े हाई एंड वैल्यू वाली चीजें हैं, वो ज्यादा बिक रही हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को आपको उसी हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। स्टेपल्स वाली जो चीजें, जो अपने को जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है कि जैसे आपने कहा कि खाना तो सबको खाना ही है, नमक तो लेना ही है, चाय तो लेनी ही है, लेकिन वहां पर एक तो कंपटीशन ज्यादा है, मार्जिन कम है, और वो जो कंपनियां हैं जो आप नेस्ले या टाटा कंज्यूमर टाइप की कोई कंपनी लें तो वो आपको चीप मिल भी नहीं रही है ना। तो आपको इसलिए वहां पर अगर ग्रोथ प्लेटूड है, नंबर्स आते रहेंगे, बट आप मार्केट को क्या चाहिए, कुछ नया, और क्या री रेटिंग कर सकता है, क्या अर्निंग्स को एक्सेलरेट कर सकता है, तो आई थिंक उसके कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो ये जो प्रीमियम वाली स्टोरीज हैं, दीज आर बेटर स्टोरीज एंड इसमें अल्फा अच्छा बन सकता है। अच्छी बात यह है कि इस सब सेगमेंट्स में अभी भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो रीजनेबल वैल्यू में मिलती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब इस तरह के ग्रोथ पैटर्न आते हैं उसमें जब गिरावट देखने को मिलती है तो एक दलील ये दी जाती है पंकज जैन साहब कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा इंसेंटिव दे, चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती करके इंसेंटिव दिया जाए, या फिर दूसरे तरीके से लोगों के हाथों में पैसा डाल के इंसेंटिव दिया जाए ताकि लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन कंपनियों की हालत सुधरेगी। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कितना सही होगा पंकज जी? देखो लक्ष्मण जी, सवाल इतने सिंपल नहीं होते। आई थिंक ये बड़ी एक कैच 22 सिचुएशन हैगी, और अभी हाल ही में रिजर्व बैंक गवर्नर ने बयान दिया था किसी फोरम पे कुछ दिन पहले ही कि रेट कट को प्रीएम्प्ट करना इट कुड बी अ वेरी डेंजरस थिंग। एंड और हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर आप देखें दूसरी तरफ पिछले कुछ एक क्वार्टर से बैंक्स हैव बीन फेसिंग सीरियस ट्रबल इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, उनको करंट रेट पे भी एडिक्वेट डिपॉजिट नहीं मिल पा रहा और काफी चैलेंजेस हैंगे, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऊपर होगी। और इसमें अगर दो, आई एम नॉट अ वेरी सीरियस इकोनॉमिस्ट, बट अगर इसमें हम यहां पर रेट कट की बातें करते हैंगे, एंड वन ऑफ इवेंट कैन नॉट चेंज द टाइड, कैन नॉट चेंज द पैटर्न्स, ये मेरा मानना है। तो मेरे को लगता है कि रेट कट की जो बातें हो रही हैं खासतौर से इंडिया में, आई थिंक दैट मे बी टू अर्ली। और खासतौर से यूएस में भी अगर हम देखें आफ्टर द इनिशियल फर्स्ट रेट कट, अब ऐसी बातें हो रही हैं, जिस तरह से हम एक स्टिकी बॉन्ड यील्ड्स देख रहे हैं, जिस तरह से अभी भी वहां पर हम ग्रोथ पैटर्न्स और इन्फ्लेशन देख रहे हैं, वहां पर भी ऐसी दोबारा से बातें होने लग गई कि शायद अगला रेट कट ना एग्रेसिव हो और शायद थोड़ा डिले भी हो जाए। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, हमारे को सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। एंड व्हाट द इवेंट्स विच आर अनफोल्डिंग इन स्टॉक मार्केट, या जिस तरह से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, खाली उनकी तरफ हम एक माइक्रो व्यू नहीं ले सकते, सो वी हैव टू टेक अ मैक्रो व्यू ऑन दैट। और मेरे को नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट कट कोई बहुत जल्दी हमारी मार्केट्स में आने वाला है। सो उस चीज को हमारे को वी हैव टू पेशेंटली वेट फॉर दैट। और उसके अलावा जो हम देख